तो हमने 2.2 तक कर लिए थे एक्सरसाइज पॉलीमर्स वाली बहुपद वाली। अब तुम्हारे जो 2.3 एक्सरसाइज है वो आपके शेष पर परमेविधि और भाग विधि दोनों एक होती है। मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ, शेष पर परमेविधि एक्शन होती क्या है। जैसे मैंने कोई भी एक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में मैंने एक भाग दिया जैसे एक्स प्लस 1 का, ठीक है, एक्स प्लस 2 कर दो, 3 और 2 होता है 3 और 6 प्लस 2 कर दो, तो मैंने एक्स प्लस 2 का डिवाइड दिया, तो एक्स प्लस 2 में हम डिवाइड करेंगे तो कल एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस ही माइनस कितने हो गए, जैसे आगे माइनस 7x प्लस 6, वापस एक्स प्लस 2 का डिवाइड किया तो माइनस 7 का बचा, तो माइनस 7x माइनस 1, माइनस 7x माइनस 1, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कितने बच गए 20। ये एक्चुअल 20 है ना, ये शेष पर कहलाता है, शेष पर। तो ये कहने मतलब अपन जब भाग देके भी पता कर सकते हैं शेष पर क्या आएगा, और जो भागफल है वो कितना है x माइनस 7 आएगा। तो कोई भी चीज का हम भाग देके पता कर सकेंगे शेष पर कितना है हमारे पास, जैसे एक्स प्लस 2 इसमें भाग दिया तो 20 शेष पर बच गया। अब अगर एक्स प्लस माइनस 2 इसमें रखे ना हम लोग इसी व्यंजक को पी एक्स में, जैसे पी एक्स क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स क्या था एक्स प्लस 2। अब इसका शून्य निकालो, शून्य क्या होगा एक्स बराबर माइनस 2। अब माइनस 2 यहाँ रखो तो पी माइनस 2 बराबर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 6, तो ये हो गया 4, ये हो गया प्लस के 10, ये हो गए कितने थे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, तो ये प्लस 10 और ये प्लस 6, तो कितना 20 आया नहीं है। मतलब ये आपके मान इसका जी एक्स के अंदर शून्य से मान रखने से भी 20 आ गए, और भाग लेके देखा तो 20 आ गए। अब इन दोनों में क्या है, ये है शेष पर परमेविधि और ये भाग विधि, तो ये दोनों मेथड आपके पैरेलल चलते हैं, भाग भी आपको आना चाहिए और शेष पर परमेविधि भी आना चाहिए। अब इनमें आपके ना पहले जो है ना 2.3 जो है, जितने भी क्वेश्चन है जितने भी दिए आपके, तो उसमें मैंने एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, उसमें भाग विधि शन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है जो भी रेंडमली मैं करा दूंगा, फिर आप ट्राई करना नहीं हो तो वापस बोल देना सर युवा ने, तो भाग विधि से लगाऊंगा, और फिर शेष पर तो बिल्कुल लीजिए वैल्यू रखी पर समान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके। अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि कोई भी आपको जैसे पी एक्स जी एक्स देते हैं, अब ये कहता है जी एक्स से गुण घटक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जी एक्स का शून्य निकाल उसमें रखेंगे, अगर पी का मान जो भी पी माइनस 2 है अगर ये 0 आ गया तब तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब है गुणनखंड तभी होता है जब उसकी वैल्यू रखने से वहां पर उसका मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो वो गलत है आपके, उसका गुणनखंड होगा। तो ये दो चीजें आपके इसमें आएंगी। तो अब इसमें ना हम भाग एक क्वेश्चन लेके भाग सिखाता हूँ कैसे देते हैं, ये तो क्या रफली कहा है मैंने, अब तुम्हारे डिवाइड कैसे देते हैं वो देखो, शेष पर बाद में करेंगे। तो पहले जितने भी क्वेश्चन है नाम तो शेष पर लिए, वो भी दोनों शेष पर ही गलत है, लेकिन एक्चुअली इसका परफेक्ट नेम है ना वो भाग विधि गलत है। तो भाग फल विधि से शेष पर विधि में मतलब कैसे करेंगे क्वेश्चन वो देखो। जैसे इसमें आपके 2.3 में ना पहले मैं आपके दे रखे 5 क्वेश्चन और दूसरा तीसरा अलग दे रखे, तो पहले तो हम क्या करते हैं पहले का एक सवाल कर लेते हैं, जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला। अब पी एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पी एक्स कितना दिया हुआ देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और जी एक्स है ना जो क्वेश्चन दे रखा है जी एक्स वो कितना दे रखा है x प्लस 1। अब आपको इसने बोला है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आपको शेषफल निकालना है, तो अभी मैंने बोला है कि x प्लस 1 लिया हमने, और इधर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिया। भाग विधि कैसे लेते हैं पहले भी ये ध्यान रखना, अव्यविक्रम होना चाहिए छोटे बड़ा, बड़े से छोटा अव्यविक्रम, x की घात पहले फिर अचर पर, सबसे बड़ी x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x और फिर अचर पर, अगर नहीं है तो आपको उसको सही करना पड़ेगा, ठीक है, इधर उधर करके। अब इसमें ना हम सबसे पहले x प्लस 1 लेंगे, हमारा काम सिर्फ ये की है इसका पहला पद काटना, तो किससे गुणा करेंगे इसका x क्यूब आ जाए, तो x को किससे गुणा करेंगे x क्यूब आएगा x स्क्वायर से कर दिया, तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देखो गुणा करके इसको इससे क्या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर एक से क्या सेम आ गया, तो इसके नीचे एक्स क्यूब नीचे एक्स उतार देंगे, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर उतार देंगे, ये माइनस ये कटा नहीं कटा देंगे दोनों। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, हमारे पास कितना आ गया 2x स्क्वायर, चिन्ह नीचे वाले चेंज करते हैं, ऊपर वाले नहीं करते कोई भी, जिनके नीचे है उनके चिन्ह चेंज, बाकी ऊपर वाले एज इट इज वैसे वैसे उतार देंगे,
मतलब एक तो इन्वर्स बच गया, बाकी जो दोनों बचे वो दोनों उतार दिए। अब अगला स्टेप ये आ गया, इसकी जगह एक्स क्यूब काट दिया, वापस करो एक्स प्लस वन, किससे गुणा करेंगे टू एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक तो टू लेना पड़ेगा एक्स लेना पड़ेगा, मतलब पहला पद इसका लाना है हमें सेम, पहले एक्स क्यूब लाए फिर एक्स स्क्वायर लेंगे, तो टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स, उतारो टू एक्स स्क्वायर मीन टू एक्स, एक्स नीचे एक्स माइनस माइनस कटेगी कटे देखो दोनों, और जो भागफल जो आ रहे हैं वो आगे लिखते रहो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब अगला नेक्स्ट है ना क्या बचा, तीन तो एक्स है प्लस के, दो है माइनस के, तो कितना बचा एक्स और प्लस वन, वापस लो एक्स प्लस वन को किससे गुणा करें कि एक्स प्लस वन आ जाए, सामने करें एक्स ही करेंगे तो हमें पास आ गया एक्स प्लस वन, यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वन, ये दोनों कट गए क्रॉस क्रॉस, तो हमें पास किससे किया एक से, कहने का मतलब है इसमें भागफल जो है ना क्वेश्चन में भागफल वो आपसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और शेष पर जो है ना वो हमारे पास कितना है, सारे कट गए देखो कितना की चीज हो, इस तरह से आप है ना भाग विधि से हम कर सकते हैं। तो पहले में ऐसे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, पांच क्वेश्चन दिए हैं, तीन एक दो तीन चार और दिए हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें भाग आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब इसी के अंदर आपके ना जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है देखो, फर्स्ट में ये चारों पर देखना ट्राई करेंगे, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है जैसे, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है ना तुम्हारे वो है आपके देखो सबसे पी एक्स कितना दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड पी एक्स कितना, देखो पी एक्स बराबर एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और माइनस ए, और पी एक्स कितना दे रखा है एक्स माइनस ए, इसने बोला है भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए, तो देखो दो भाग x माइनस ए लिया और इधर कौन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, साइड बना दो ऐसे, एक्स माइनस ए को किससे गुणा करेंगे, इसका पहला पद आ जाए एक्स क्यूब आ जाए, एक्स को किससे करेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, देखो एक्स क्यूब ये रहा ए एक्स स्क्वायर, चलिए चेंज करो दोनों कट रहे, ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा क्या एक दो सिक्स ए और एक माइनस ए, वापस लो किससे किया हमने एक्स स्क्वायर से, वापस लो किससे करेंगे एक सिक्स एक्स आ जाए छः से करेंगे ठीक क्या छः से, तो छः एक्स माइनस छः ए यहाँ पे छः एक्स माइनस छः ए माइनस और ए प्लस कट गई भी ठीक है, तो कितना बचा छः में से गया पाँच ए, इस तरह से ए रखेंगे ना ए क्यूब पांच, ये आपके जो है ना ये एक्स आ गया, मतलब आपको क्या गया शेष फल, और इसके आगे किसके क्या हमने छह से, तो कहने का मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसका भागफल जो है ना वो आपके आगे सेकंड का एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, और शेष पर जो हमारे पास आया ना वो कितना है देखो नीचे पांच ए, इस तरह से, तो ये भाग के तरीके आपको आने चाहिए, आज दो करें कल और करवाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी होंगे, ठीक है ना, आज मैंने स्टार्ट कर दिया तुम्हारे ये दो पॉइंट थी, कल और कराते इसके क्वेश्चन, बाद में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, ये मैंने आज इजी क्वेश्चन दो कराए, तो कल टफ वाले कर रहे थे, आज ट्राई करना कितने होते हैं नेक्स्ट करवाएंगे फिर, ठीक है, तो ये हो गया आपके भाग में, ठीक है, ठीक ओके थैंक यू।